हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो ये देखिए हमारी भाभी हैं। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में दिखाई हूँ दीदी के यहाँ, और मैं भी आई हूँ भैया के यहाँ, आप लोगों से मैं बताई ही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ एक दर्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो वहाँ हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। और भैया की गाड़ी आगे है, तो इसमें मैं और दीदी और इधर ये है, हेलो करिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं वहाँ, आप लोगों से मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो है आगे वाली गाड़ी भैया की है, उसमें बच्चे हैं और भैया हैं, एक लोग आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मतलब हम लोग निकल गए हैं, और देखिए ये पुल है रास्ते में पड़ा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तो मतलब जहाँ ये हम जा रहे हैं ना, ये शक्तिपीठ मंदिर है जिसका नाम है कड़े धाम। और इनका मान्यता है फ्रेंड्स कि एक मतलब रहस्य है इनका, कि जब सती जी जब मतलब अग्नि में जब वो जली थी, तो जब शंकर जी इनको लेके वहाँ से निकले थे, तो इनका जो है कंगन यहाँ गिर गया था। तो इसी के मतलब उन्हीं के नाम पे यहाँ जो है शक्तिपीठ कड़े धाम मंदिर बनवाया गया है, जो कि बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो ये जो है कौसाम्बी में ही पड़ता है। अगर आप लोग कौसाम्बी के आसपास हैं तो एक बार ज़रूर मतलब कि यहाँ आइए और दर्शन करिए, इनका बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम लोग मतलब कि मंदिर के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ गाड़ियाँ अंदर नहीं आती हैं, बट भैया की वजह से मतलब कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से बताई ही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं बड़े भाई साहब के वजह से हम लोग मतलब कि गाड़ी अंदर आ गई। तो यहाँ देखिए अब हम लोग गाड़ी साइड में कर दिए हैं, और यहाँ मंदिर के अंदर अब पैदल निकल चल दिए हैं। तो यहाँ देखिए हनुमान जी का पहले था मूर्ति, तो मैं वहाँ से प्रणाम की और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाई भी हूँ। और यहाँ देखिए माला फूल लेके अब हम लोग चलेंगे दर्शन करने, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशानी हुआ, क्योंकि भैया थे वहाँ, तो फिर भी मैं जितना हो सका मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ का बना ही ली फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए ये जो है माता रानी का अब हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ जो है माता रानी का ये जो पूरा देखिए सोने का ही बना हुआ है, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। और यहाँ देखिए जो दूध कुंड में आप लोगों को दिखा रहा होगा, वहीं माता रानी का मतलब कि कड़ा गिरा था, उसी में कड़े हैं, तो हाथ दिखा हुआ है माता रानी का। तो मैं हम लोग बाद में देखे थे जब दूध को पूरा निकाल लिए थे, क्योंकि मतलब कि वहाँ का वीडियो या फिर पिक निकालना मना किए थे वो लोग, मंदिर में जो पुजारी लोग थे। और यहाँ देखिए माता रानी को बाहर से ही दीपक और दिया जलाया जाता है, और अंदर माला फूल चढ़ाया जाता है, नारियल चुदरी। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोग जो हैं परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर को, मतलब जितने लोग थे सारे लोग मंदिर का परिक्रमा करते हुए। मैं थोड़ा सा प्रियम से बोली नमन से कि यार थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो, क्योंकि भैया के सामने मुझे वीडियो बनाना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, फिर भी मैं बनाई फ्रेंड्स, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बहुत ही शांति मतलब कि मिला यहाँ आके, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी माता रानी सबकी रक्षा करें, जहाँ भी सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। तो फ्रेंड्स ना यहाँ जो है जो दूध कुंड में आप लोगों को दिखा ही होगा, तो जो दूध है ना उसको मतलब निकाला गया है इस टाइम, और पूरे फर्श पे टाइल्स लगा है पत्थर, तो फिर उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिसलन होने लगा था। तो यहाँ हम लोग जो है दर्शन करके वहाँ जो है माता रानी का कड़ा हम लोग लास्ट में देखे, मतलब दर्शन मेन मतलब हम लोगों का वो है कि जब कड़े देख लिए तो दर्शन सफल हो गया हम लोगों का करना, क्योंकि वो जल्दी किसी को दिखता नहीं है, दुर्लभ होता है दिखना। तो हम लोग काफ़ी वेट किए तब जाके कड़े देख के हम लोगों को माता रानी का। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ देखिए हम लोग कुछ पिक निकाले, फैमिली पिक, भैया हैं और सॉरी दीदी थी और उनका बेटा, और यहाँ हम और दीदी हैं। तो ये लोग हम लोग पिक निकाले और वहाँ से हम लोग निकल गए हैं फ्रेंड्स रास्ते में अब, और यहाँ से हम लोग जाएंगे एक और मंदिर में, बट उसका वीडियो हम आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी लंबा वीडियो वहाँ बन गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए हम लोग ना गेस्ट हाउस में आ गए हैं, यहाँ बीच में जो है गेस्ट हाउस पड़ा है, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा स्टे लिए और वहाँ चाय पानी हुआ। यहाँ देखिए हम लोग गेस्ट हाउस के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ मतलब कि
चाय नाश्ता होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये देखिए गेस्ट हाउस का कैंपस है फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी हो गया, फिर हम लोग निकलने वाले हैं। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर, तो ये उसका वीडियो हम लोग आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। धरती का स्वर्ग जान लीजिए है वो, बहुत ही ज़्यादा, जितना तारीफ किया जाए कम है फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो है हम लोग यहाँ मंदिर जहाँ है, तो ये हम लोग पहुँच गए हैं, और वहाँ से अब हम लोग मतलब कि दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, जो कि VIP रोड है। अंदर से हम लोग जा रहे हैं, मेन गेट से नहीं गए हैं। तो पहले हम लोग जा रहे हैं गेस्ट हाउस में, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर का दर्शन करने जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो वहाँ के मैनेजर थे वो भैया का वेट कर रहे थे। तो प्लीज़ मतलब कि अब आप लोग, आज का मैं वीडियो यहीं एंड करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो का। तो यहाँ देखिए हम लोग, गेट खुल गया है और यहाँ हम लोग आ गए हैं मतलब कि गेस्ट हाउस में। और आप देख सकते हैं छोटी सी झलक में आप लोगों को दिखाई, और ये तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, आगे बहुत ही खूबसूरत मंदिर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, बाय।